हाय माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ना आपको ग्राउंड फ्लोर की क्यारियाँ दिखाएंगे और एक क्यारी में कौन कौन से प्लांट्स लगे हैं वो भी दिखाएंगे आपको। पेंटिंग की है क्यारियों को, सब पॉट निकाले हैं, तो हमने सोचा कि आपको एक बार दिखा दे। फिर प्लांट्स रहते हैं ना, पॉट रहते हैं, तो फिर दिखा नहीं पाते। अभी देख लीजिए कैसे कैसे बनाई है हमने क्यारी। ये देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी क्यारी है और ये ना हमने ग्राउंड फ्लोर में दोनों साइड में सेम क्यारियाँ बनाई है दोनों साइड में। तो ये देखिए कितनी बड़ी क्यारी है, इसमें जाम का प्लांट लगा है और मोगरे का भी है एक ही कैरी में, और ये गुड़हल का, इसके फ्लावर्स तो आपको बहुत बार दिखाए हैं। और देखिए एक ही कैरी में है ये सभी प्लांट्स, और इतनी जगह खाली है ये देखिए। और ये कैरी देखिए अब खाली है, मिट्टी इसमें डालनी बाकी है। और कैरी देखिए फ्रेंड्स कितनी बड़ी है, ये दोनों साइड में ऐसी एक कैरी है, ये उधर बाद में दिखाते हैं आपको। और ये देखिए एक चीकू का प्लांट है, एक एक कैरी है। ये वाला, ये भी दोनों साइड में ऐसी कैरी है और दोनों साइड में चुकू के प्लांट्स है आजू बाजू में आमने सामने। देखिए हमारा एंट्रेंस है ना, वहां से क्यारियां बनाई है। देखो ऐसी दिखती है ये क्यारी, बीच में प्लांट्स लगे हैं तो बराबर देख नहीं पाएंगे आप। ये देखिए फ्रेंड्स, उस दिन पपाया का प्लांट तोड़ दिया, अच्छे फ्लावर्स भी आ रहे थे इसे और हेल्दी प्लांट था, ये तोड़ दिया देखिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अंदर की लेंथ है ना इसकी 4 फीट है कैरी की, और हमारी दोनों साइड की कैरी है ना ऐसी सीधी 40 फीट है और आड़ी 20 फीट, ऐसी ये कैरी है हमारी। और देखिए, और इसमें स्वीट कॉर्न लगे थे, मूंगफली लगी थी, सब निकाल लिए अभी। एक पपाया का प्लांट है यहाँ, ये छोड़ दिया है बंदरों ने, इसे नहीं छेड़ा है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये ड्रमस्टिक का प्लांट कितना बड़ा हो गया है अभी 4 महीने में देखिए, और कितना हेल्दी भी है। अच्छी ग्रोथ हुई इसकी बहुत जल्दी। और फ्रेंड्स यहाँ ये वही जगह है, सब दोनों साइड में कैरियों में हमने स्वीट कॉर्न लगे थे, सब खाली हो गई। तो देखिए अभी इसमें लगाएंगे अभी नया कुछ। ये गुड़हल का प्लांट एक है बड़ा, और एक था वो भी खराब हो गया देखिए। ये साइड की ऐसी 20 फीट आती है और ऐसी सीधी 40। और यही कैरी में एक चंपा का प्लांट लगाया था, ये भी खराब कर दिया है बंदरों ने, तो ग्रोथ अच्छी नहीं हुई। दूसरे साइड में है तो उसकी ग्रोथ अच्छी है, वो भी दिखाते हैं आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दूसरे साइड में भी वही साइज की कैरी है बड़ी वाली, इसमें ना
पपाया का प्लांट है अभी एक लगा, और मोगरे का प्लांट्स है बहुत सारे हैं इसमें लगे, और यहाँ कड़ी पत्ता का भी प्लांट्स था तो निकाल दिए। देखिए दोनों साइड में इतनी बड़ी बड़ी कैरिया है सब। देखिए इसी में ये जुड़ी है एक, ये चीकू वाली, हमने बोला था ना कि आमने सामने है चीकू के दो प्लांट्स, तो ये है ऐसी है, और साइज सेम है फ्रेंड्स कैरियो की। देखिए फ्रेंड्स फिर से चीकू आ गए हैं, बड़े भी हो रहे हैं। देखिए कितने सारे आ गए हैं चीकू, ये दोनों चीकू के प्लांट्स ना फ्रेंड्स इतने बड़े बड़े हैं ना, तो चीकू अंदर अंदर रहते पूरा शूट नहीं कर पाते। ये देखिए ऐसा दिखता है व्यू हमारे कैरियो का, सब अस्त व्यस्त है फ्रेंड्स, अभी सब इधर निकाल के रख दिए तो प्लांट्स। ये देखिए फ्रेंड्स एक कैरी है यहाँ लेमन की, और प्लांट देखिए कितना बड़ा है, और आपको तो बताया है ये 10 साल का प्लांट है, और फ्रूटिंग तो इतनी होती, इतने लेमन लगते हैं ना फ्रेंड्स इसमें, और इतना अच्छा हेल्दी प्लांट है हमारा ये, और साइज भी बहुत अच्छी है लेमन की, और अच्छे भी है लेमन, बहुत सारे लगते, हमें तो इतने लगते भी नहीं है लेमन। प्लांट्स को दे देते हैं इसका जूस बना के, शरबत बना के। देखिए एकदम हेल्दी प्लांट है ये, और बहुत बड़ा है, आधा तो हमने कम कर दिया, काट दिया इसको। ये भी कैरी देखिए यहाँ पे भी वैसी है सेम दोनों साइड में, और यहाँ अनार का प्लांट लगा है, और बहुत सारे अनार लगते रहते हैं, अभी बहुत सारे आए थे लेकिन अंदर से रिजल्ट अच्छा था, लेकिन बाहर से थोड़े काले दिख रहे थे ना तो हमने नहीं दिखाया आपको। ये देखिए कितने बड़ा प्लांट है ये भी, और बंदर भी खा लेते हैं कुछ। देखिए ये भी कैरी ऐसे सीधी आती है, ये कैरी में स्वीट कॉर्न और मूंगफली लगी थी, अब सब निकाल लिए। ये देखिए देखिए सब जगह खाली हो गई, अभी यही से हम मिट्टी ले लेते फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारी मिट्टी हमने जमा करके रखी है कैरी में, जैसे प्लांट्स को लगती है मिट्टी तो यही कैरी में से ले लेते हम। बैक साइड में ऐसी कैरियां बनाई है उसमें भी बहुत सारी मिट्टी भर के रख दी है, तो मिट्टी की कमी तो रहती नहीं है हमारे पास। एक ये ना आंवले का प्लांट है देखिए लगाया है, छोटा है अभी। और इसमें ना एक आम का प्लांट है देखिए अभी लगाया है, और ये अलमंडा दोनों साइड में है, यहाँ से कटिंग कर दिए, बहुत सारे आते हैं अंदर, बाहर से रख दिया है। और ये फाउंटेन के लिए जगह छोड़ी है, अभी तक हमने बनाया नहीं है, टाइम नहीं मिला हमें,
फाउंटेन बनाने के लिए। अभी देखते दिवाली के बाद जब टाइम मिलेगा तो बनाएंगे, हम खुद ही बनाएंगे फ्रेंड्स। और एक ऐसी आती है कैरी, एक ये देखिए, ये कैरी में ही लगा है दोनों साइड में, उधर भी बताया था ना आपको, तो ये हेल्दी हो गया। दोनों प्लांट चंपक के साथ में लगाए थे हमने, लेकिन वो बंदरों ने खराब कर दिए। तो देखिए इसकी ग्रोथ अच्छी है, दूसरे साइड की ग्रोथ अच्छी नहीं है। एक कैरी है और इसी में एक जोरा प्लांट्स लगे हैं। ये देखिए, इसकी पूरी कटिंग कर दी थी हमने, तो नए निकल आए। और इस तरह आती है एक कैरी गेट के दोनों साइड में, देखिए ऐसे। इतना सब उठाना पड़ता, इतने पॉट उठाने पड़ते फ्रेंड्स, देखिए तो कितना दिवाली में काम निकलता है। तो भी हम करते ही रहते हैं, अभी 4-5 महीने पहले ही किया था, लेकिन खराब हो जाते हैं सब, मिट्टी से कैरी है, अच्छा भी नहीं लगता फिर वो काला काला। हमें साल में 2 बार तो हम पेंट करते हैं पॉट को। पहले ना फ्रेंड्स, ये दोनों साइड में ना रोज के प्लांट्स इतने सारे थे हमारे पास, कम से कम 20-25 होंगे हमने लगाए। बहुत सारे कलर्स थे, हेल्दी भी थे और फ्लावर्स भी अच्छे आ रहे थे। तो हमने गार्डन का काम किया ना, तो पूरे खराब हो गए हमारे प्लांट्स। देखिए एक बार हमारे गार्डन का क्या हाल हुआ है, सब गार्डन गार्डन हो गया है। अब अच्छे से तैयार करेंगे ना फ्रेंड्स, फिर वो भी दिखाएंगे आपको। ऐसा है ग्रीन 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 ग्रीन। बस एक ही प्रॉब्लम है बंदरों का, वो ही नहीं छोड़ते, बहुत परेशान करते हैं। फ्रेंड्स हम ना आपको एक बात बताते हैं, एक कैरिया ना हमने अभी फरवरी मार्च में बनाई है। 2 साल से सोचा था बनाने का, लेकिन लॉकडाउन की वजह से नहीं बना रहे थे हम, नहीं हुआ था हमारा काम। तो आपको बताते हैं पहले हमारा गार्डन कैसे था, और एक कैरिया हमने अभी बनाई है, तो पहले क्या था इस जगह पे वो बताते हैं। ये गेट के साइड से ना फ्रेंड्स आप देख रहे हो सीधा दोनों साइड में, पहले हमने एक बाउंड्री बना ली थी ऐसी, और वो बाउंड्री में सीधा हमने, पता है फ्रेंड्स, 10 एक ही लाइन में एक झोरा के प्लांट्स लगाए थे, पूरे कलर्स थे उसमें दोनों साइड में, और दोनों साइड में यही पे साइड में ही 2 विद्या के बड़े बड़े प्लांट्स थे और 2 मधुकामिनी के प्लांट्स थे बड़े वाले, तो एक ही लाइन में, तो इतना अच्छा दिखता था ना फ्रेंड्स वो। लेकिन बीच में क्या था, मिट्टी थी बहुत सारी, जमीनी थी, तो हमने वो बारिश वगैरह आती थी ना फ्रेंड्स, तो बहुत एक्स्ट्रा प्लांट्स लग जाते थे, बहुत मुश्किल होता था फिर वो निकालने के लिए, फिर हमसे नहीं हो पाता था वो। तो फिर हमने यहाँ कैरिया जो प्लांट्स हमें रखना था ना, तो रख दिए। हाँ, मैंगो का भी बहुत बड़ा प्लांट था, ये साइड में था, और जामुन का भी था बहुत बड़ा प्लांट, वो दूसरी साइड में था। और फिर हमने निकाल लिया, जो जो हमें रखना था वो रख दिए, जो रख सकते थे प्लांट्स, और फिर ऐसी क्यारियां बना ली हमने। ऐसा है तो हमारे, पता है बहुत सारे प्लांट्स हमारे काम किया तो खराब हो गए, कुछ हमने निकाल दिए। ऐसा था पहले हमारा गार्डन, हमें पता नहीं था हम YouTube पे आएंगे, नहीं तो वीडियो निकाल के रखते थे। अभी काम किया है फ्रेंड्स हमने, तो ऐसी है फ्रेंड्स हमारी कैरिया ग्राउंड फ्लोर की। बताइए आप, आपको कैसी लगी कैरिया,
ओके बाय फ्रेंड्स।